प्रेजेंट टीचर। हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर का चैप्टर फोर पापा जब बच्चे थे के बारे में पढ़ेंगे और इसके शब्दार्थों को समझेंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ते भी हैं और इसके भाव को भी समझते हैं। देखिए, पापा जब बच्चे थे, यहाँ पे हम देखेंगे किस प्रकार से इसके बारे में कवि ने बताया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे का चित्र दिया हुआ है, यहाँ पे एक बच्चे का चित्र दिया है। पापा जब छोटे थे, पापा कैसे थे, एक बेटा जो है, बच्चा जो है, वो अपने पिताजी के बारे में बता रहा है। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, पापा के पास हमेशा जवाब तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। जब पापा से कभी पूछा जाता कि पापा आप बड़े होकर क्या बनोगे, पापा जो थे वो तुरंत ही क्या करते, जवाब देते। लेकिन हर एक बार जब उनसे पूछा गया, अलग अलग जवाबों को देते थे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। देखिए, यहाँ लड़का बता रहा है कि प्रारंभ में यानी शुरू में पापा क्या बनना चाहते थे, चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, जब सारा शहर क्या करेगा, सोता है, चौकीदार जागता है। कौन जागता है, चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोएगा तो सिर्फ चौकीदार ही यानी मैं जागने का काम करूंगा। आगे देखते हैं, उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ होगा वह खूब शोर करेंगे। पिताजी को शोर कर बहुत खुशी होती थी कि जब पूरा संसार सोएगा तो मुझे शोर करने का मौका मिल जाएगा, मैं खूब शोर मचाऊंगा। उन्हें यह बात पर पक्का यकीन था, बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। उन्होंने तय कर लिया कि मैं बड़ा होने के बाद चौकीदार बनूंगा। लेकिन एक दिन की बात है, चकितदार हरे केले लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन की बात है, एक चौकीदार एक चटकदार हरे कपड़े पहने ठेले को लिए हुए चला आ रहा था। वह आइसक्रीम वाला व्यक्ति था। वो क्या बेच रहा था, आइसक्रीम बेच रहा था। ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उनकी बात यानी लड़के की पापा की बात है। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। अब देखिए लड़के के जो पिता है उनकी इच्छा बदल जाती है। अब वो क्या करते हैं, आइसक्रीम वाले को देखकर उनके मन में विचार आता है कि मैं भी आइसक्रीम बेचूंगा, एक बेचूंगा दूसरा खाऊंगा, छोटे बच्चों को तो मैं बिल्कुल मुफ्त में आइसक्रीम खिलाने का काम करूंगा। इसको आगे देखेंगे। देखिए, जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता है तो उन्होंने बहुत हैरानी हुई। मेरे पापा के जब माता और पिता को यह जानकारी मिली कि जब वो आइसक्रीम बेचने के लिए कह रहा है, वो आइसक्रीम बनना चाहता है, आइसक्रीम वाला बनना चाहता है, तो बड़े ही हैरान हुए। उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। पापा अपनी बात पे अड़ गए, मैं आइसक्रीम ही बेचूंगा। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन में पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। एक दिन की बात है, पापा ने रेलवे स्टेशन पर एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। वो आदमी क्या कर रहा था, इंजन और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। अब यहाँ पे देखिए, वो खिलौने नहीं थे,
ये बिल्कुल ओरिजिनल असली थे। कभी वो प्लेटफार्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बो के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। अब देखिए आगे क्या होता है। पापा ने पूछा, पापा क्या करते हैं, पूछते हैं ये कौन है। उन्हें बताया गया यह सेटिंग करने वाला है। क्या करने वाला है, सेटिंग करने वाला है। सेटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब लोगों ने उनको बताया कि सेटिंग करने वाला है तो पापा पूछते हैं कि सेटिंग क्या होता है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरा कर लेती है, जब रेलगाड़ी क्या करती है अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे सेटिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सेटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। जैसे ही पापा को ये सारी बातें बताई जाती है, पापा को पता चल जाता कि अब क्या बनेंगे। वो आगे देखते हैं, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बो की सेटिंग करेंगे। अब वो तुरंत मान लेते हैं कि मैं क्या करूंगा, रेलगाड़ी के डिब्बो की सेटिंग करूंगा। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है। अब देखिए इससे भी मजेदार क्या हो सकता है। यहाँ पे लड़का कह रहा है जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो सेटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उससे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने का काम करेंगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। देखिए आगे, यह संतुष्ट समस्या थी। पापा की समझ यह एक समस्या थी। पापा ने सेटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, लेकिन पापा ने तय कर लिया था कि मैं आज सेटिंग करूंगा। मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार भरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। देखिए यहाँ आइसक्रीम बेचने वाला भी बनना चाहते हैं और उधर मन में ठान भी लिया है कि मैं सेटिंग करूंगा। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं सेटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यहाँ पे पापा क्या करते हैं, मन में विचार करते हैं कि मैं सेटिंग करने और आइसक्रीम बेचने का काम दोनों करूंगा। आगे देखते हैं, सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। सब लोग पापा से पूछते हैं कि तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे। पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूंगा। उस दिन आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा। वहां मैं कुछ डिब्बो की सेटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊंगा। इस प्रकार से पापा लोगों को अपना जवाब देते हैं। इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा, कहते हैं कि मैं आइसक्रीम भी बेच लूंगा और कुछ डिब्बे भी सेटिंग कर लूंगा। इन दोनों कामों को सुबह और शाम मिलाकर करने की बात कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला है, मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूंगा। पापा कहते हैं कि मैं अपना ठेला स्टेशन के बिल्कुल पास खड़ा करूंगा, इसीलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। सब लोग फिर हंस पड़े। सभी लोग क्या करते हैं, पुनः हंसते हैं। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। अगर तुम लोग मेरे ऊपर हंसोगे, मैं इन दोनों के अलावा तीसरी चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। वो कह, रात को आदमी खाली होता है, रात में क्या करेगा, मैं चौकीदार भी बन जाऊंगा। सभी कुछ तय हो गया, लेकिन एक दिन पापा को वायु यान चालक बनने की सूझी। अब देखिए आगे, अब आज पापा को वायु यान यानी जहाज चलाने का मन कर दिया। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची।
उसके बाद वह अभिनेता बनना चाहते हैं, इसके अलावा जहाजी भी बनना चाहते थे, कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अब देखिए आगे, अंत में एक दिन उन्होंने तय किया, आखिरी में पिताजी एक दिन उन्होंने क्या किया, अंत में वह तय करते हैं कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। वो क्या बनना चाहते हैं? कुत्ता बनना चाहते हैं। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उसके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। अब देखिए यार, पापा क्या बने हुए, कुत्ता बन गए हैं, अब लोगों को देखकर भौंक रहे हैं। एक दादी बुढ़िया जो होती है सोचती कि मैं इनके सर को सहला दूं तो काटने को भी दौड़ते हैं। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया है, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैरों से कार के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए। इस प्रकार से कुत्ता अपने कान को खुजला लेता है पैरों से। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाए तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएगा। पापा कुत्ते के पास जाकर क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। उसी समय एक अजनबी फौजी अफसर गुजर रहा था, वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? फौजी आदमी क्या करता है, पापा से पूछता है कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। पापा तुरंत जवाब देते हैं कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ कुत्ते के साथ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? फौजी प्रश्न करता है, तुम कुत्ता बनना क्यों चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। पापा ने कहा, मैं कुछ बहुत दिनों तक इंसान बन के रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? फौजी आदमी पापा से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि इंसान कहते किसे हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए, ये बात पापा कहते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, अब आगे हम देखते हैं। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया। वह न तो हंसा और न मुस्कुराया। पापा सोचने लगे। इतने में पापा क्या करते हैं, सोचने लगते हैं। वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई। जो फौजी आदमी था वह पापा को कुछ समझाया भी नहीं था, लेकिन यह बात पापा को समझ में आ जाती है कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की बात याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। उन्होंने क्या जवाब दिया, कि मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। ठीक, आज पापा को समझ में आ गया है, आज भी वह यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। देखिए किसके द्वारा लिखा गया है, एक अलेक्सांडर रस्किन के द्वारा लिखा गया है। ये जो कहानी थी अलेक्सांडर रस्किन के द्वारा लिखी गई थी, पापा जब बच्चे थे, यानी पापा जब क्या थे, छोटे थे, तब की एक कहानी लिखी हुई है और आज उसका बेटा इस कहानी को बता रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न और